Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back to my channel Sulfa's World. This is Hina और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सुपर इजी एंड डिलीशियस रसगुल्ला. सो आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, बिल्कुल स्टोर ब्रॉड जैसे हम लाते हैं वैसे ही एग्जैक्टली सेम वैसा ही हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. सो मैं आपको आज बताऊंगी कि कैसे बनाना है. सारी टिप्स को जानने के लिए बिना स्किप किए एंड तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा. तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें चाहिए होगा दूध. सो मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध जो है वो लिया है एंड इसको हम एक बर्तन में डाल के इसे हीट कर लेंगे. हल्का सा इसको गर्म कर लीजिए. सो ज्यादा बॉईल करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा गर्म हो जाएगा देन इसमें हम ऐड करेंगे विनीगर. विनीगर या फिर लेमन जूस आप यूज कर सकते हैं. विनीगर जो है मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच ऐड किया है. अगर आपको जरूरत लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं. मिक्स करने के बाद हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब लो फ्लेम पे इसको बॉईल करना है हल्का सा. वंस ऐसे पानी और हमारा जो छेना है वो अलग अलग हो जाएगा देन हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे. सो ज्यादा कुक नहीं करना है. वंस ये दोनों अलग हो जाएगा, दूध और पानी अलग अलग हो जाएगा देन हमें फ्लेम ऑफ कर देना है. अब इसे हम छान लेंगे. सो इस तरीके से आप छन्नी के हेल्प से एंड कोई भी मसलिन क्लोथ या कॉटन कपड़ा आप यूज कर सकते हैं. इस तरह स्प्रेड आउट कर लीजिए देन हम इसको छान लेंगे. छेना बनाने में सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेगा. सो ज्यादा ओवर कुक मत कीजिए. सो 2-3 मिनट में आप गैस को ऑफ कर दीजिए एंड ये बिल्कुल रेडी हो गया है. अभी हम इसको ट्विस्ट कर लीजिए. सो गर्म है तो थोड़ा सा वेट करके फिर ट्विस्ट करना है. सो अभी इसको मैं अलग बर्तन में ट्रांसफर कर रही हूँ. जो एक्स्ट्रा जो पानी है वो डाल के हम इसको वॉश आउट कर लेंगे ताकि जो हमने लेमन या विनीगर जो भी आप ऐड करोगे उसका जो खट्टापन है उसको हम रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं. बस इसको हल्का सा पानी ऐड करके वॉश कर दीजिए एंड जो एक्सेस पानी है वो हमारा नीचे जाली के थ्रू निकल जाएगा. एंड इस प्रोसेस में हमारा जो छेना है वो थोड़ा कूल डाउन भी हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा. सो आपको स्क्विज करने में थोड़ा आसानी भी रहेगा. जस्ट नॉर्मल वाटर जो है उसको हम ऐड कर देंगे एंड इसको ऐसे 2 से 3 बार वॉश करके इसे ले लेंगे. अब इसको हम एक साथ फोल्ड करके जो एक्सेस वाटर है उसको हम निकाल देंगे. सो इस तरीके से आप स्क्वीज कर लीजिए एंड जितना टाइट हो सके आप उतना टाइट इसको स्क्वीज कीजिए ताकि इसका अंदर का जो मॉइस्चर है वो सारा पूरा हम निकाल सके. इस तरीके से स्क्वीज करने के बाद इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे. सो बाउल जो है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए एंड थोड़ा बहुत जो कपड़े में लगा हो उसको भी आप क्लीन करके इस तरीके से निकाल लीजिए. एंड अब इसको हम अच्छे से मसल लेंगे हाथ से. आप इसको 5 to 6 मिनट्स के लिए इसी तरीके से आप जैसे आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसा ही इसको आप मलिए. सो इसको बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर में बनाना है तो जितना आपसे हो सकता है 5 to 6 मिनट्स के लिए इसको इसी तरीके से आप इसको मलते रहिए. इनकेस अगर आपका छेना अगर बहुत ही गीला है या फिर मॉइस्चर जो है आपने ठीक से निकाला नहीं होगा तो बहुत ज्यादा गीला गीला होगा, यानी वो बहुत स्टिकी बन जाएगा. तो उसके लिए एक टिप्स है कि अगर बहुत ज्यादा गीला हो जाए तो आप उसको अच्छे से फैला दीजिए कोई भी प्लेट में या बाउल में. तो 15 या 20 मिनट्स के लिए इसको आप हवा के नीचे रख दीजिए, थोड़ा सा वो ड्राई हो जाएगा. यहाँ पे जो मेरा डव है वो रेडी हो चुका है. सो अभी हम इसका रसगुल्ले बना लेंगे. सो मैं छोटे छोटे पोर्शन में इसका बॉल्स बना लूंगी. सो आपको ऑयल या कोई भी चीज लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट छोटे छोटे बॉल्स ले लीजिए एंड बीच में आपके हाथ के बीच में रखिए, इसको छोटे छोटे बॉल्स में बना लीजिए. सो बिना क्रैक हुए ही आपका आराम से बन जाएगा. अगर बहुत ज्यादा स्टिकी हो तो आप जैसे मैंने बताया था आप वैसे कर सकते हैं. इस तरह आपके जो रसगुल्ले हैं बिना टूटे बिना क्रैक हुए बहुत ही अच्छे से बनेगा. सो साइज जो है आप छोटा सा रखिए क्योंकि ये फुल के फिर डबल इन साइज हो जाएगा. सो मैं छोटे छोटे बॉल्स अभी कन्वर्ट कर रही हूँ. सो मैंने 1 लीटर दूध में मैंने छेना कुछ 250 ग्राम्स के छेना बने थे. सो ऑलमोस्ट मेरे 11 to 12 बॉल्स बने हैं. अभी मैं नेक्स्ट जो है शुगर सिरप बनाने जा रही हूँ. सो चाशनी जो है हमारे रसगुल्ले के लिए वो हम प्रिपेयर कर लेते हैं. उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है. बर्तन को हम हीट कर लेंगे, इसमें हम पानी ऐड करेंगे. पानी जो है मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर पानी ऐड किया है. इसी के साथ में मैं ऐड करूंगी 350 ग्राम शुगर. सो ये मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट यूज करेंगे तो आपका चाशनी बराबर बनेगा. सो हमें शुगर सिरप जो है बहुत ज्यादा थिकन नहीं करना है, बस हमें शुगर मेल्ट होने तक वेट करना है. शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा देन इसमें हम ऐड करेंगे इलायची. सो मैं यहाँ पे पाउडर इलायची जो है मैं वो यूज कर रही हूँ, मतलब थोड़ा सा क्रश किया हुआ है. अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर ऐड कर सकते हैं या फिर होल कार्डमम इसको कूट के आप डाल दीजिएगा एंड इसको हम हल्का सा बॉयल आने तक वेट करेंगे. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयल जो है अच्छे से आ चुका है. अब हम एक एक करके जो रसगुल्ला है हम ड्रॉप कर देंगे. चाशनी जो है हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए जब आप रसगुल्ला ऐड कर रहे हैं, वरना वो रसगुल्ला जो है वो टूट सकता है या क्रैक हो सकता है. सो अच्छे गर्म इसमें आप ऐड कर दीजिए. सो 5 मिनट्स के लिए हम इसको हाई फ्लेम में ढककर इसको कुक करेंगे. अभी
5 मिनट्स के बाद इसको आप ओपन करके एक बार इसको पलट दीजिए। सो दोनों साइड से इवनली कुक करने के लिए इसको हम फ्लिप कर देंगे ताकि वो दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड से ही अच्छे से फूल सके। सो जस्ट इसको फ्लिप कर दीजिए इस तरीके से। एंड अगेन इसे कवर करके 8 to 10 मिनट्स के इसे लो फ्लेम में हमें कुक करना है। सो 10 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं कि वो कितना अच्छा फ्लफी एंड डबल इन साइज हो गया है। एंड चाशनी भी जो है वो हल्का सा रेड्यूस हो चुका है। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली रसगुल्ला जो है वो रेडी हो चुका है। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सो टोटल कुकिंग टाइम जो है हमारा 12 to 15 मिनट्स के लिए आपको कुक करना है। बस ठंडा होने के बाद में यानी कि रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसको आप सर्व कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको फ्रिज में चिल करके भी खा सकते हैं। अब इसको मैंने सर्व कर लिया एंड ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है। सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी ये बहुत ही सॉफ्ट है। मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए एंड जैसे ही आप इसको बाइट करोगे ना ये बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है, उतना सॉफ्ट है ये। सो जरूर इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अंटिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।